तो चलिए भाई, आपका स्वागत करती हूँ आज मेरे चैनल पे इन ओम स्वीट्स के छोले भटूरे से। एक्चुअली पलवल में भी खुल चुका है ओम स्वीट्स, ऑल्दो इसकी ब्रांचेस फरीदाबाद, दिल्ली, अलग अलग सिटीज़ में है, बट पलवल में भी आ चुका है। तो मेरे भाई ने मुझे मंगा के दिए हैं ओम स्वीट्स के छोले भटूरे। मतलब इससे अच्छा नाश्ता और क्या हो सकता है, लाइक वट बेटर देन दिस। आप मायके में हो एंड छोले भटूरे इन्जॉय करो। बट आपको बताऊँ, इसके छोले भटूरे ना सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे, बट अगर आप वहाँ जाके खाओगे ना, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड लगते हैं यार, गरम गरम एंड अनलिमिटेड छोले ऑफकोर्स। बट इट्स ओके, चलिए करते हैं नाश्ता एंड फिर करते हैं काम। तो भाई नाश्ता निपटा के यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी, एंड मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ पनीर। एक्चुअली पनीर बटर मसाला मैं बना रही हूँ उसके लिए, उसको मेरे हाथ के पनीर बहुत पसंद है। तो जब भी मैं आती हूँ मैं ज़रूर पनीर बनाती हूँ यहाँ पे। एंड सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी है मेरी, एंड मुझे याद आ गया भाई चिमनी मैंने ऑन तो कर ली, बट सॉरी स्विच ऑन तो कर लिया बट मैंने यहाँ से ऑन नहीं करा इसको, एंड पूरी सब्जी बन गया। मैं चिमनी अपनी ऑन कर रही हूँ यार, कहाँ दिमाग चलता है मेरा। तो गाइस फटाफट से काम निपटा के हम लोग निकल रहे हैं मार्केट की तरफ। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट। ये एक्चुअली एक बेबी प्रोडक्ट्स की शॉप है। मैं शुभम के साथ यहाँ से एक बोतल लेके गई थी अदीप के लिए, बट ये बोतल लीक कर रही थी तो मैं इसको एक्सचेंज करवाने के लिए आई हूँ। एंड ये देखो अदीप टॉयज़ के साथ खेल रहा है, मैं मम्मी के साथ आई हूँ यहाँ पे। एंड ऑफकोर्स भैया नानी आई है, तो नानी शॉपिंग कराएगी भैया अदीप को। मैंने तो मम्मी को साफ मना कर दी क्योंकि भाई सीरियसली जो कपड़े पड़े हैं ना उनका भी नंबर नहीं आ रहा है, तो मम्मी अदीप के तो मम्मी मानती नहीं है, तो अदीप के कपड़े दिलवा रही मम्मी मुझे ऐसे। एंड सीरियसली बताओ यार, यहाँ की क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है। ऑफलाइन प्रोडक्ट लेने का ना यही फायदा है कि आप लोग एक्सचेंज करवा सकते हो, ऑनलाइन में बेबी प्रोडक्ट है कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। तो यस, ये शॉप भी काफी अच्छी है एंड काफी पुरानी है यहाँ पे। गाइस अभी हो चुकी है शाम एंड मेरी आई थोड़े सल कर रही है क्योंकि रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आई है, एंड देन सुबह ऑफिस एज यूजुअल। तो अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैं बना रही हूँ रोहित के लिए व्हाइट सॉस पास्ता, रोहित को मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद है, एंड ऋतिक को भी स्पेशली। तो मैं ऋतिक के लिए भी थोड़ा सा बनाऊंगी, उसको देने जाऊंगी ऋतिक को। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग वगैरह सब डन कर चुकी, गार्लिक कैप्सिकम एंड अनियन। यहाँ पे मेरे कॉर्न जो है बॉयल हो रहा है, और मेरे कॉर्न थोड़े से चुरा के गुन्नू ने ले लिया और वो बना रही है ठाकुर जी के लिए। चुराए हैं? नहीं 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 नहीं। तो गुन्नू बना रही है आलू, गुन्नू बना रही है आलू, शिमला मिर्च, कॉर्न और टमाटर की सब्जी ठाकुर जी के लिए। तो ये बन रहे मेरे भाई के लिए। ये मैंने पास्ता बॉईल करके रख दिया इसमें। यार मुझे इंस्टेंट पास्ता बॉईल करना सबसे बड़े बेस्ट लगता है, वो पतीले में आई नो थोड़ा सेफ होता है ये वो, बट क्या है मैदा तो मैदा ही है ना, हम तो दे ही रहा है, बट इट्स ओके। तो अभी मैं बनाऊंगी मस्त कॉर्न्स वाला व्हाइट सॉस पास्ता, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द पास्ता। आई विश बट ये पास्ता सच में ऑसम बनने वाला है, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ हमारे पे ना कॉर्न्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट यहाँ पे कॉर्न्स मिलना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे हर सब्जी वाले की दुकान पे कॉर्न्स मिल जाते हैं। तो गाइस बहुत सारे मैस के बाद यहाँ तैयार है व्हाइट सॉस पास्ता। ये थोड़ा सा येलोइश लग रहा है क्योंकि मेरे से गलती से हल्की सी बिल्कुल ना के बराबर हल्दी डल गई थी। एंड इट्स टाइम फॉर चीज़। एक्चुअली मैंने रोहित से चीज़ स्लाइस मंगाई थी, बट इट्स ओके, मोज़रेला भी अच्छी है। तो ये मैं थोड़े से डाल दूँगी, देन हमारा पास्ता हो जाएगा एकदम रेडी। तो गाइस रोहित ने कर दिया है पास्ता एकदम पास, कह रहा सच में बहुत अच्छा बना है, तो पास भी पास। तो गाइज अब हमारी सवारी निकल चुकी है ओम स्वीट्स की तरफ, एंड गाइज ये है ओम स्वीट्स जिसकी हमने सुबह छोले भटूरे खाए थे। तो अब मैं आ चुकी हूँ डिनर के लिए, क्योंकि रोहित कह रहा था कि अब तो फिर चल घर चल जाएगी, चल तुझे बाहर कुछ खिला के आता हूँ। तो मैं मम्मी और पापा आ चुके हैं डिनर करने, एंड ये देखिए हमें मिल चुका है सरप्राइज। मामी भाभी और मेरी सिस्टर सब यहाँ पर मिल चुके हैं। क्या कह रही मम्मी? कह रही थी और ये रही मेरी डोडो। भाई डोडो भी जो मिल गई, तो मैं उसे बिना मिले कैसे रह सकती हूँ यार। तो यस गाइस हम लोग सब यहाँ पर मिल चुके हैं, भाभी भाई हम सारे। आप इनके साथ नहीं आए? अरे कह रहे सारे अलग अलग आए, लिशोनी के साथ आए। तो भाई एक्चुअली यहाँ पे लीशा भाभी की भाभी का बर्थडे था, तो वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए थे, एंड मामी ईशा और दिव्या गए थे पंचवटी, तो वो लोग इनको यहाँ मिल गए, एंड हम आए थे डिनर पे तो हम लोग इनको मिल गए। तो भाई सीरियसली सब यहाँ पे अलग अलग आए थे, बट यहाँ पे इकट्ठे सारे मिल गए। मतलब अगर अलग से सेपरेटली कभी प्लान बनाते ना, तो आई डोंट थिंक सो कभी पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इसकी अब कभी किसी के पास टाइम नहीं है, कभी कौन कहाँ है कौन कहाँ है। बट भाई सीरियसली अब लोग यहाँ पे मिल गए, इतना मज़ा आ रहा है, ऐसे सरप्राइज मीटिंग्स कितनी अच्छी लगती है। की दुकान लकी लकी।
तो भाई चलो डोडो जी बाय। एंड गाइस हमारा यहाँ पे जो है डिनर लग चुका है, इन सब का डिनर हो चुका है, तो ये लोग बस अभी जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मम्मी मैं रोहित डिनर एंजॉय कर रहे हैं, एंड पापा गुरगुन्नू संभाल रही है अधिव को, और अब गुन्नू खा रही है डिनर एंड पापा संभाल रहे हैं अधिव को, क्योंकि भाई इसको ना परमानेंट एक बंदा चाहिए। पापा ने डिनर कर लिया है अपना, एंड सीरियसली खाना बहुत टेस्टी था यार। मम्मी भैया सौंफ और भैया चीनी क्यों छोड़े। तो गाइज खाना सच में अच्छा था, एंड ड्रिंक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। और गाइज इनका क्लोजिंग टाइम हो चुका है, 11 बजे के बाद ये लोग एंट्री नहीं देते हैं, एंड गेट जो है क्लोज कर देते हैं, तो हम दूसरे वाले गेट से हमें लो ये लोग एग्जिट करवा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खुफिया रास्ते से ओम स्वीट्स के। तो मम्मी कह रही कहाँ है रास्ता, कहाँ ले जा रहे हैं हमको, मेन गेट क्यों नहीं खोल रहे। एंड हम लोग पहुंचने वाले हैं घर, एंड मैं करूंगी भैया अपने ससुराल जाने की तैयारी। इट्स टाइम टू लीव माय मायका। सो गाइज वेलकम टू द नेक्स्ट डे। अभी सुबह सुबह आ गई है मामी हमें छोले चावल देने के लिए, क्योंकि हम पंजाबियों में कोई गवच्छी होती है तो हम उस दिन छोले चावल ही खाते हैं। तो मामी हमें देने आई है, एंड मम्मी ने देखो पूरे कपड़े वपड़े सब धो के रख दिए, एंड अधिव का टेडी बियर भी पूरा धो के चमचमा के रख दिया है। सो गाइज इट इज़ टाइम टू लीव। मैं इससे थोड़ा लो साउंड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस ससुराल, वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। मम्मी आर यू हैप्पी? यार रोना नहीं है यार, मम्मी पहले कल बहुत ज़्यादा रो चुकी है, बट इट्स ओके भाई, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा ही। तो यस पैकिंग वगैरह सब डन हो चुकी है। मैं जा रही हूँ अपने कज़न के साथ दिल्ली तक, क्योंकि उसको ऑफिस पे जाना है, वो मुझे शुभम के पास छोड़ेगा, एंड देन हम लोग जाएंगे शुभम की बुआ के घर पे, वहाँ मैं एक दिन स्टे करूँगी। एंड कल है मेरी ऑफिस की पार्टी, जिसके लिए मैं इतने दिन तक यहाँ पर रुकी हुई थी, क्योंकि ऑफिस की पार्टी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, एज़ यू ऑल नो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मम्मी इधर आओ, हैप्पी क्या है पी यार, जाना तो है ही, छोड़ो पास दादी कर दो, जब भी जाना हो तो दूर कर रहा जब भी जाना है। तो यस गाइस चलिए बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, चलो गुन्नू बाय। अच्छा सब दोनों सच बताना, मेरी ज़्यादा याद आएगी या अधिव की आएगी? अधिव की। मम्मी को भी अधिव के साइड है, कोई बात नहीं, हम वीडियो कॉल पर हमारी बातें तो चलती ही रहती है, वीडियो कॉल कर लेंगे। बोल रहे पहले तो वीडियो कॉल भी नहीं होते थे, अब कम से कम वो तो हो जाते हैं। ठीक है शादी होती है। आपको कैसे लग रहा मैं जा रही हूँ? कंगा उल्टा। गुन्नू आई कहाँ है? रो क्यों रही है? रो कोमल की शादी हुई तो आप पूछोगे तेरे से। रो क्यों रही है? तो गाइस अभी हम आ चुके चाची घर पे, रोना नहीं है मम्मी, फिर सब्सक्राइबर चुप हो जाओ यार। नहीं रो क्यों रही हो? दुबई दुबई जा रही है दोबारा। चले अपने घर, चले अधिव चले। आए बेचारा भैया, मेरे को मत ले जाओ, आप ले जा रहे हो यार से। नहीं जाना? अच्छा नहीं 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 ना जाओ ना जाओ, नहीं जा रहे, चलो यही रहेंगे हम, यही रहेंगे ठीक है। नानी आई, नानी नानी कहाँ है? जा रहे आजा देव नानी पास। सो सरो रहा था ना नन्नू, चले पापा के पास चले, और मामा को छोड़ो पापा को पकड़ो। आदू चलो कोमल जी बाय बाय चाची। आदि कहाँ जा रहे हैं? आना चाची जल्दी, आ चले आजा, चलो। तो गाइस थोड़ा सा क्राइंग सेशन करने के बाद आई एम बैक टू नॉर्मल नाउ, एंड मैं आ चुकी हूँ गाड़ी में। ये मेरे भाई ने नई गाड़ी ली है, अभी मेरे कज़िन ने एक्चुअली दो तीन दिन पहले ही ली है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड गाइस एंड वी आर आउट, अब मैं निकल रही हूँ दिल्ली के लिए। शुभम को मैंने कॉल कर दिया। अच्छा पापा से मिलोगे आज? ही बहुत दिनों बाद अपने पापा से मिलेगा, मतलब ये जब अभी मतलब जब अधिव यहाँ पे आया था ना तो इसकी दादी रो रही थी, अब जा रहा तो इसकी नानी रो रही है, पहले पापा उदास हो गए थे अब जा रहे तो उसके मामा उदास हो गए हैं। यार अधिव यार क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सबको उदास क्यों कर जाते हो? नोनी नहीं, अधिव भी रेडी हो चुके, मम्मा भी रेडी हो चुके, सामान सारा रख दिया पीछे, कुछ डिग्री में पड़ा है। हाँ तो गाय मतलब शादी कुछ है 2 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, बट मतलब आज भी ना अपने घर से जाना ऐसा लगता है, बहुत हैवी हार्ट से मतलब जाना पड़ता है अपने घर घर पे घर छोड़ के। बट पर कहते हैं कि अपने घर से, मैंने काफ़ी व्लॉग्स में बताया, पहले वाले व्लॉग्स में जब मैं वापस आई हूँ, मैंने हमेशा हर व्लॉग में बोला है कि जब भी बेटी आती है उसको रोते हुए अपने घर से नहीं जाना चाहिए। तो यस आई एम अगेन स्माइलिंग एंड विशिंग वेरी 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 बहुत सारी खुशियाँ मेरे घर वालों के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे घर वालों के लिए।
गाइस चलिए हम लोग चलते हैं दिल्ली की तरफ, आपको दिखाते हैं रास्ते, देन करते हैं हम लोग हमारा कंटिन्यू। तो गाइस यहाँ पे शुरू हो चुकी है बारिश, मौसम है सुहाना पर ऋतिक को ऑफिस है जाना। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे एंड अभी तो बारिश आ रही थी बट उसके बाद जो ह्यूमिडिटी होती है ना, आई डोंट लाइक दिस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऋतिक के जीजू का वेट, जब तक ऋतिक स्पेंड कर रहे हैं अदिति के साथ और ज्यादा टाइम। पापा का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, मामू और भांजा कर रहे हैं अपनी मस्ती। करियो ऋतिक क्या कर रहा था अभी? पापा की याद आएगी आपको, आएगी मामा की याद। कपड़ू पता नहीं कहाँ रहेगा शुभम चौहान। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे, कॉलेज के टाइम पे आती थी। कहाँ पापा, कहाँ आप, जल्दी आ जाओ। कहाँ पे है पापा, कहाँ पे आ जाओगे पापा। तो मैं इसको बाहर लेकर आई हूँ तो थोड़ा छुपो भी छुपो है यार। परेशान क्यों कर रहे हो? पापा से मिलना है आपको। आ दू, आ दू, आ दू, आ गए पापा, आ गए आदू के पापा, आ गए आदू के पापा, आ गए। और भाई यहाँ पे शुरू हो चुकी है जीजा साले की एंडलेस कॉन्वर्जेशन। भाई ये तो कॉन्वर्जेशन बंद नहीं करेंगे, मैं ऋतिक को बाय बोल देती हूँ। फाइनली पहुंच चुकी बुआ के घर पे। आपने मेरे एक दो व्लॉग्स में देखा होगा इस बुआ को, है बुआ? एक दो व्लॉग्स में ही आए होगे बस मेरे यहाँ। एक दो बुआ का क्या, हमारे घर तो आती ना तो क्या व्लॉग में कैसे आएंगी बुआ? बुआ अपने घर रहती है बस। एंड यहाँ पे अधिक सो रहा है वो, वहाँ पे चाचा होने के घर में नहीं जाते आप है? चाचा होने के घर में नहीं जाते, वो तो पास है ना, कभी जाते हैं साल में एक बार, साल में एक बार पास होके भी। तो गाइस बुआ ने मेरे लिए मंगाए हैं ये मोमोज, क्योंकि भाई मालवीय नगर के मोमोज तो बहुत फेमस है। ऑल्दो कमल के मोमोज मुझे खाने थे बट शॉप उसकी क्लोज हो चुकी थी, इसलिए बुआ ने मेरे लिए मंगाए प्रेम के मोमोज। इसके भी मोमोज काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई सुप्रभात सभी को, आज मैं आ चुकी हूँ शुभम के चाचू एंड चाचू के घर पे। तो बुआ के घर पे रात को स्टे करके हम लोग आ चुके हैं चाचू एंड चाची के घर पे शुभम के। यार एक्चुअली मैं शादी के बाद इनके घर पे एक बार भी नहीं आई हूँ एंड चाचू एंड चाची जरूर बोलते कि तो पलवल आती है बट डेली नहीं आती। तो मैंने इस बार सोचा कि इस बार चाची के घर ज़रूर होके आएंगे एंड ये ईशू गोपी चाचू सब यहाँ पे ड्राइंग रूम में एंड चाची हमारे लिए बना रही है अंदर खाना। तो खाना खा के फटाफट से निकलेंगे अपने घर की तरफ। गाइज हम लोग निकल चुके हैं चाची के घर से एंड अधिव पहली बार अपने दादी घर पे गया था, ममता दादी के घर पे। चाची का ही कॉल आ गया। तो गाइज चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड। भाई दिल्ली आके पुरानी यादें ताजा हो गई, वो सड़कें एंड ऑल मेट्रो वेट्रो देख के, क्योंकि भाई इतना टाइम तक दिल्ली में रही हूँ। शुभम और मैं भी दिल्ली में मिले थे। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अमेजोन की पार्टी। चाचा का कॉल आगे, रुक जाओ यार, रुक जाओ। तो गाइस यार चाचा का इसलिए फोन आया था, आदिव की एक बॉटल हॉट वाटर वाली बॉटल हम लोग छोड़ आए हैं, उसके बिना हम लोग बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करते हैं। तो हम लोग वापस जा रहे हैं यार, पहले ही ऑलरेडी लेट हो रहा है। तो ऐसे गाइस मैं आपको ये बता रही थी कि ब्लॉग जो है नेक्स्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी अमेजोन की पार्टीज कैसी होती है। अभी ऑन लोग मैं अमेजोन में काम करती हूँ तो मैं आपको अमेजोन की इवेंट्स दिखाऊंगी अब। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ब्लॉग एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा बाय बाय करो दिव।
बाय सबको, बाय।